दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द ही झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर आदि जैसे शहरों में नागपुर की तर्ज पर 2 से 3 मंजिला एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। और बहुत जल्द ही यह बात सामने भी आ गई है कि नागपुर की तर्ज पर रांची एवं जमशेदपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसका जल्द ही डिजाइन एवं प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। उन्होंने बताया कि रांची के सांसद संजय सेठ और खूंटी के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनसे मिले थे। रांची एवं जमशेदपुर में जाम समस्या से निजात पाने और दिनों दिन बढ़ रही ट्रैफिक लोड को देखते हुए एलिवेटेड सड़क निर्माण की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि नागपुर में इस तरह की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तर्ज पर झारखंड के 2 शहरों रांची एवं जमशेदपुर में भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एलिवेटेड कॉरिडोर 2 से 3 मंजिला होगा। नीचे सड़क, ऊपर फ्लाई ओवर और उसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर में भी एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा, जो 2 से 3 मंजिला का होगा। मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश के बड़े रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइनर वेंकट रमन एवं LNT प्रमुख इसका डिजाइन तैयार करेगी। डिजाइन तैयार होते ही इससे संबंधित DPR तैयार होगा। इसके बाद इसके निर्माण की दिशा में कार्य शुरू की जाएगी। दोस्तों, विकास की पहल राज्य के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री शायद विकास की सारी संभावनाएं ढूंढने में फिलहाल लगे हुए हैं, इसलिए BJP के सांसदों में विकास करने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों, वर्तमान में इसका मोड़ से कचहरी चौक तक एलिवेटेड सड़क निर्माण योजना पर काम शुरू हो चुका है। पहले यहां पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाना था, परंतु अब राज्य के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि इसे एलिवेटेड सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा, जो 4-लेन सड़क होगी। दोस्तों, शहरीकरण के इस दौर में ऐसे निर्माण की आवश्यकता है जो शहर को जाम मुक्त रखे, ताकि कम से कम लोगों को परेशानी हो, और इसके लिए 2 से 3 मंजिला एलिवेटेड सड़क एक अच्छा विकल्प है। ऐसे में सरकार को उन शहरों में भी एलिवेटेड सड़क के निर्माण की योजना धरातल पर लानी चाहिए, जहां बाईपास में समस्या हो रही है। दोस्तों, जमशेदपुर और रांची के बाद और किन शहरों में एलिवेटेड सड़क की आवश्यकता है, आप हमें कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।